मेरे विद्यार्थियों, बिहार स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वास्तविक संख्या, वो कल ही कंप्लीट कर दिया था। आज हम उससे अगला अध्याय यानी कि तीसरा अध्याय बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय नंबर 3 है आपके बहुपद। सबसे पहले तो बहुपद की परिभाषा आनी चाहिए, यानी कि बहुपद की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, बहुपद। दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं बहुपद। उसके बाद में बहुपद की घात होती है। सबसे पहले तो आ जाएगा बहुपद, ये तो जाएगा दो या दो से अधिक पदों के मेल को बहुपद कहते हैं। फिर आएगी बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं, उस बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होगी वो क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। जैसे कोई भी एक बहुपद ले लिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कोई एक बहुपद है, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक पद है। कितने पद है, 3 पद है। तो 3 पद है तो ये क्या हो गया, बहुपद। अब इस पर देखो, आपको पूछेगा इस बहुपद की घात बताओ, तो इस बहुपद में चर कौन है, एक्स है, तो एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 घात है, तो उस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। ये तो हो जाएगी बहुपद की घात। और हमेशा ध्यान रखना, बहुपद की घात प्रकृत संख्या होती है। बहुपद की घात प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या आप लोग जानते हो, एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक चलती रहेगी, वो होगी प्राकृत संख्या, यानी कि बहुपद की घात। ऐसा नहीं कि बहुपद की घात किसी की घात 0 हो और उसमें बोल दो आपके घात, बहुपद की घात 0 हो जाएगी, 0 कभी नहीं आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 इसी रूप में आएगी आगे। ये तो हो जाएगी बहुपद की घात। बहुपद आ गए आपके, बहुपद की घात हो गई। अब यहाँ ध्यान रखना, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। आप लोगों को इस पूरे अध्याय में बहुपद के शून्यक ही ज्ञात करने, अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियाँ हैं, उन विधियाँ से आपको बहुपद के शून्यक ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कौन कहलाएगा, यदि कोई बहुपद है, जैसे ये बहुपद है आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें चर का मान रखो, और चर का मान रखने पर इस पूरे बहुपद का मान यदि 0 हो जाता है, तो वो चर का जो भी मान रखा वो क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे चर में हमने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा और इस बहुपद का पूरे का मान 0 हो गया, तो इस x बराबर 1 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। ये तो रहेगा शून्य। अब आपके शून्यंकों के जो भी बहुपद आया, बहुपद के शून्यंकों के मध्य संबंध वो ज्ञात करना है, शून्यंकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध। अब आपके कोई एक बहुपद आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद दे रखा आपको, यानी कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा। अब इस बहुपद के शून्यंक और इनके गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना, बहुपद व बहुपद के शून्यंक व गुणांकों के मध्य संबंध, इनके मध्य संबंध ज्ञात करना। संबंध ज्ञात करना तो संबंध कैसे हो जाएगा, अब आपके पास कोई भी दो इसके शून्य, हमेशा ध्यान रखना शून्य कितने ज्ञात होगी, जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उस बहुपद के शून्य आएंगे, यानी कि यहाँ बहुपद की घात कितनी है 2, तो इस बहुपद के कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। अब 2 शून्य आएंगे तो इसमें संबंध क्या होगा, यानी कि शून्यंकों का योग होगा, एक तो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग हो जाएगा आपके माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स के गुणा में जो भी इस बहुपद में है वो हो जाएगा बट्टे एक्स स्क्वायर के गुणांक, यानी इस बहुपद में कौन है एक्स के गुणांक में, तो माइनस ऑफ एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा बी, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए, यानी कि माइनस ऑफ बी अपॉन ए शून्यंकों का योग हो जाएगा। इसी तरीके से एक होगा शून्यंकों का गुणा, यानी गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल,
सुनिया का गुणनफल होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद, अब अचर पद कौन है? इसमें देखो, इसमें ये तो चर पद है, ये भी चर है, और सी के हो जाएगा अचर पद, तो ये अचर पद हो जाएगा सी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए, सी बट्टा ए। ये हो जाएगा इनके मध्य संबंध, एक तो शून्यांकों का योग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। अब इस तरह के एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो बहुपद दे रखे हैं उन बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना और उनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला ही बहुपद दे रखा आपके, पहला क्वेश्चन है 4x² + 8x, इनके एक तो शून्यांक ज्ञात करना है, दूसरा शून्यांक ज्ञात करने के बाद उन शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि ये दोनों जो संबंध है, ये दो शून्यांकों का योग वाला, दूसरा शून्यांकों का गुणा वाला, ये संबंध सत्य है कि नहीं है वो जांच करनी। तो सबसे पहले तो इसमें शून्यांकों का मान ज्ञात करो। शून्यांकों का मान कैसे ज्ञात होगा? देखो दोनों में x कॉमन है, यानी कि x बराबर जीरो रखो एक बार, तो x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर जीरो रखेंगे तो ये जीरो प्लस इसको f ऑफ x के बराबर लिख दो, तो f ऑफ x बराबर ये तो हो जाएगा। देखो जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो को चार से गुणा करेंगे जीरो, प्लस ये 8 × 0 की तो जाएगा जीरो, यानी कि इस बहुपद का मान कितना आ गया? जीरो। x बराबर जीरो रखने पर बहुपद का मान कितना आ गया? जीरो। तो x बराबर जीरो इस बहुपद का क्या हो गया? शून्यांक, यानी पहला शून्यांक तो कितना आ गया? जीरो आ गया। दूसरा शून्यांक ज्ञात करना है, दूसरा शून्यांक ज्ञात करना है तो इसमें कोई ऐसा मान रखो जिससे बहुपद का मान कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो एक रखेंगे, देखो एक तो x बराबर एक रख के देखो, एक रखेंगे तो चार तो हो जाएगा इंटू एक का स्क्वायर एक होगा, चार इंटू एक चार, और इधर हो जाएगा 8 × 1 = 8, यानी कि यदि आप प्लस में मान रखोगे तो वो मान बढ़ता जाएगा, एक बार माइनस में मान रख के देखो। यानी कि x बराबर माइनस का एक रख के देखो, तो माइनस का एक रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब एक का स्क्वायर एक ही होगा, चार इंटू एक हो जाएगा चार, ये तो आएगा चार प्लस, ये आप माइनस एक रखें तो 8 × -1 कितना हो जाएगा? -8, तो भी 4 - 8 - 4 उतर रहा, तो x माइनस एक्स बराबर माइनस एक भी नहीं होगा। अब x बराबर -2 लेके देखो, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखेंगे देखो, ये तो 4 तो ही है, −2 का स्क्वायर प्लस 8 × -2, तो ये तो हो जाएगा देखो 4 × - का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा −8 × 2 हो जाएगा 16, ये 4 × 4 = 16, −16 बराबर कितना उत्तर आ गया? 0। अब x बराबर −2 रखा और बहुपद का मान कितना आ गया? 0। 0 आते ही x बराबर −2 क्या हो गया? एक शून्य हो गया, एक शून्य का आ गया 0, दूसरा आ गया −2। अब इस बहुपद की घात 2 है तो उसमें सिर्फ 2 शून्य ही प्राप्त हो गए, तीसरा नहीं होगा, दोनों प्राप्त हो गए। तो पहला शून्य तो आ गया आपके 0, दूसरा आ गया -2। अब इनके गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। गुणांकों के मध्य संबंध, संबंध क्या है? सबसे पहला संबंध है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग, शून्यांक कौन कौन से? 0 और -2 है, इधर तो जाएगा 0 प्लस -2, दोनों का योग करना, 0 और -2 को जोड़ दो, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है? 8, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का गुणांक हो जाएगा 8 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि 4। अब देखो 0 प्लस माइनस कितना जाएगा? -2, और 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा -2, 0 में से 2 जाएगा -2 बराबर -2, यानी कि ये संबंध तो सत्य है, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये संबंध हो गया सत्य हो गया। अब दूसरा संबंध ज्ञात करते हैं शून्यांकों का गुणा,
शून्यांकों का गुण, शून्यांकों का गुणा होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब पहले इधर तो शून्यांकों का गुणा करो, शून्यांक कौन कौन है, एक तो जीरो है, दूसरा हो जाएगा माइनस के दो, तो जीरो इंटू माइनस के दो बराबर अचर पद। अब देखो अचर पद इसमें एक्स स्क्वायर का पद है, एक्स का पद है, अचर कोई संख्या नहीं है, तो अचर पद कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि चार। अब जीरो को माइनस दो से गुणा करेंगे, जीरो बराबर जीरो में चार का भाग देंगे तो जीरो, यानी कि यह भी संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया, दोनों तरफ जीरो जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह संबंध भी जाएगा सत्य। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपके एक्स स्क्वायर माइनस रूट तीन प्लस एक इंटू एक्स प्लस रूट तीन। इसके आपको इसमें भी शून्यांक ज्ञात करने हैं और उनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपके। अब इस पर देखो, इसको भी एफ ऑफ एक्स के बराबर लिख दो पहले तो। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, शून्यांक ज्ञात करने का। अब इसमें एक और तरीका है, इनको गुणनखंड करके भी शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसको किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर कर दो, इस बहुपद को बराबर जीरो लिख दो, जीरो लेके इनके गुणनखंड करके एक्स का मान ज्ञात कर लो, वो क्या हो जाएगा, शून्यांक, जैसा आपने नाइन्थ क्लास में सीखा ही था उसी तरीके से। यानी कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स को अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा एक्स रूट तीन, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ए को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स, और प्लस के हो जाएंगे रूट तीन। अब देखो दो दो के जोड़े बना दो और उनमें से कॉमन ले लो, एक तो इनमें से कॉमन ले लो, एक इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, फिर जो ब्रैकेट आएगा ब्रैकेट पूरा कॉमन आएगा उसकी सहायता से आगे करते, तो ये हो जाएगा इन दोनों में से तो एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच गया एक्स माइनस, यहाँ एक्स कॉमन आ गया पीछे बच गया रूट तीन। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ इसके पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, यानी कि माइनस का एक कॉमन ले लो, माइनस का एक कॉमन ले तो ये माइनस का था तो ये तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का है तो वो हो जाएगा माइनस का और रूट तीन है ये। अब इन दोनों में देखो ये ब्रैकेट दोनों में सेम है तो ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस रूट तीन, यहाँ बजेगा एक्स माइनस एक, इसको किसके बराबर करने का था, जीरो के बराबर। अब देखो इनको जीरो के बराबर क्यों करते, क्योंकि यदि इनका इनमें एक्स का मान रखने पर जीरो उत्तर आएगा बहुपद का तो वही शून्यांक कहलाते, इसलिए इसको पहले ही जीरो के बराबर कर लो ताकि एक्स के मान सीधे आ जाए, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब या तो ये जीरो, यानी कोई ऐसा कभी आया कि दो संख्याओं का गुणा जीरो है, तो या तो एक दोनों में से कोई एक जीरो होगी तभी उनका गुणा जीरो होगा, तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो। तो एक बार तो मानो एक्स माइनस रूट तीन बराबर जीरो, या फिर हो जाएगा एक्स माइनस एक बराबर जीरो। अब इसके बराबर जीरो आएगा तो या एक्स बराबर माइनस के रूट तीन उधर जाएगा प्लस के रूट तीन हो जाएगा, या हो जाएगा एक्स बराबर एक। तो दो कौन कौन से शून्यांक आ गए इसके, एक तो रूट तीन, दूसरा आ गया एक आ गया। अब इसमें आपको संबंध के बीच सत्यता की जाँच करनी है गुणांकों के, गुणांकों के मध्य संबंध की जांच। गुणांकों के मध्य संबंध क्या, शून्यांकों का योग आएगा पहले तो, शून्यांकों का योग ये हो जाएगा आपके माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग ही हो जाएगा, शून्यांक कौन कौन से, रूट तीन और प्लस का एक है तो रूट तीन और एक हो जाएंगे, शून्यांकों का योग तो जाएगा रूट तीन प्लस एक। इधर माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणांक कौन है, देखो साथ में माइनस है तो माइनस लेना जरूरी है, तो एक्स का गुणांक है आपके माइनस ऑफ रूट तीन प्लस एक, देखो माइनस है तो डबल कोष्टक लिख दिया, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है कितना है एक है, तो इधर तो जाएगा रूट तीन प्लस एक। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर बच जाएगा रूट तीन प्लस एक, दोनों तरफ समान मान आ रहा है इसलिए यह संबंध सत्य है। इसी तरीके से इसका अगला संबंध लेते हैं शून्यांकों का गुणा,
शून्यांकों का गुणा, वो होता है आपके अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों ने रूट तीन और एक, तो ये हो जाएगा रूट तीन इंटू एक बराबर, अचर पद कितना है रूट तीन बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है एक, तो रूट तीन को एक से गुणा करेंगे तो रूट तीन बराबर इधर रूट तीन लग जाएंगे, तो यहाँ भी संबंध सत्य हो रहा है। यानी कि आपको दो शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने के बाद इन संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि भाई संबंध सत्य है या नहीं है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आएगा आपको शून्यांक दे रखे और उसकी सहायता से बहुपद ज्ञात करना, यानी कि शून्यांक आपको दे रखे दोनों शून्यांकों का योग और गुणनफल देगा, या तो शून्यांक देगा या शून्यांकों का योग और गुणनफल देगा, उनकी सहायता से बहुपद ज्ञात करना, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है आपको, एक तो सबसे पहले तो एक शून्यांकों का योग दे रहेगा और दूसरा दे रहेगा शून्यांकों का गुणनफल, उनकी सहायता से बहुपद ज्ञात करना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, उसके शून्यांक हो जाएंगे आपके माइनस तीन और दो, यानी कि शून्यांकों का योग तो आ गया आपके, शून्यांकों का योग तो आ गया माइनस के तीन और शून्यांकों का गुणा दे देगा आपको दो। प्रश्न आएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग माइनस तीन और शून्यांकों का गुणा दो हो। अब ऐसा बहुपद ज्ञात करना है, ऐसा बहुपद ज्ञात करना है तो आपको देखो शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा, तो उसके लिए सीधा सूत्र है बहुपद ज्ञात करने का, सीधा सूत्र याद रखना। तो बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस, यहाँ हो जाएगा शून्यांकों का गुणा। अब देखो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं। अब आपको दे देगा माइनस, शून्यांकों का योग कितना माइनस के तीन इंटू एक्स प्लस, शून्यांकों का गुणा कितना दे रहेगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के तीन एक्स प्लस दो, ये आपके द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। देखो शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा तो सीधा सूत्र यह बहुपद ज्ञात करने का, इसकी सहायता से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो। अब इसके जैसे एक क्वेश्चन और है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चार है, यदि द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के, के शून्यांकों का, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, इनके वर्ग शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांकों के वर्गों का योग यह आपको दे रहेगा 40, तो आपको के का मान ज्ञात करना है, इस के का मान। देखो आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है, उनके शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है और के का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम शून्यांकों के शून्यांक मान लेते हैं, कि माना प्रथम शून्यांक बराबर हो जाएगा ए और द्वितीय शून्यांक हो जाएगा बी। अब आपको दे रहेगा शून्यांकों के वर्गों का योग, यानी कि शून्यांक कौन कौन दे रहेगा ए और बी, यानी कि ए का भी वर्ग करो बी का भी वर्ग करो उनका योग करो, वो किसके बराबर है 40 के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 40, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर एक। शून्यांकों के वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 40। अब आपके पास दूसरा कुछ तो है नहीं, अब इस बहुपद को ऐसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो जो इनके शून्यांकों के जो गुणांकों के संबंध थे उनकी सहायता से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो शून्यांकों के गुणांकों का संबंध किया, सबसे पहले तो हो जाएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांकों का योग, शून्यांक कौन कौन से माना ए और बी, ये तो जाएगा ए प्लस बी बराबर माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कौन है माइनस के आठ, ये माइनस के आठ बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक,
यानी ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर आठ, ये हो गया आपका समीकरण नंबर दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आठ के आठ है, ये आ गया समीकरण नंबर दो। अब इसी तरीके से इसका दूसरा संबंध है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा वो होता है आपके अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा यानी कि a इंटू बी, ए इंटू बी बराबर अचर पद कौन है k बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा एक, यानी a इंटू बी हो जाएगा ए बी बराबर ये हो जाएगा k, ये हो गया समीकरण नंबर तीन। अब देखो समीकरण एक दो और तीन इनकी सहायता से हमें ज्ञात क्या करना, k का मान ज्ञात करना, k का मान ज्ञात करना है। तो देखो यदि मैं समीकरण दो के दो का वर्ग कर दूं, वर्ग करूंगा तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी आएगा, उसके सहायता से आपके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देगा और ए बी आएगा, टू तो है ही हमारे पास, तो टू ए बी, ए बी की जगह वो मान रख देगा और इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम करेंगे समीकरण दो का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर समीकरण दो का वर्ग करो तो इधर तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आठ का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर आठ का वर्ग हो जाएगा चौंसठ। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारे पास चालीस पड़ा है, तो समीकरण एक व तीन से मान रखने पर, एक व तीन से मान रखो तो एक से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा चालीस प्लस दो इंटू ए बी का मान कितना है के, तो ये दो के बराबर हो जाएंगे चौंसठ। अब चालीस का पक्षांतर कर दो तो दो के बराबर हो जाएगा चौंसठ माइनस चालीस, दो के बराबर हो जाएगा आपके चौबीस और के बराबर हो जाएगा चौबीस बटे दो, यानी कि के का मान आ गया आपके बारह। तो आपके के का मान पूछा था, के का मान आ गया आपके। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो, शून्यांकों का गुणांक गुणांकों में दिए संबंध या शून्यांक ज्ञात करना, तो ऐसा आएगा तो कर लोगे। अब इसी तरीके से ये टॉपिक आपके शून्यांकों के गुणांकों के मध्य संबंध वाला तो कंप्लीट होता है, इसका जो भी होमवर्क है वो आपको दिया जाता है। बाकी अगला टॉपिक हम कल